साफ रखो, बेलगाम को साफ रखो, बेलगाम को साफ रखो, साफ रखो, साफ रखो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेजबान मोइन मागरे। अगर हम पहलगाम की बात करेंगे तो आज पहलगाम में अमरनाथ यात्रा चल रही है। हमारे साथ इस वक्त होटल हिलटॉप के कुछ कार्यकर्ता जो वहां पर काम करते हैं, उनमें जनरल मैनेजर्स हो या दीगर जितने भी वहां पर स्टाफ मेंबर्स हो वो हो, तो यहां पर आप खुद देख सकते हो। मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगा, आप देखिए कि इन्होंने ऑलमोस्ट टन्स में कूड़ा जमा किया। अगर हम पूरे पहलगाम की बात करेंगे तो पहलगाम के पूरे इलाके से इन्होंने होटल हिलटॉप से लेके, अगर हम गौरीशंकर टेम्पल, अगर हम क्लब पार्क की बात करेंगे तो हर जगह पर इन्होंने कूड़ा करकट जमा किया और इन थैलियों में जमा करके आप ये म्युनिसिपल कमेटी के हवाले करना चाहते हैं। क्या कुछ इनका नजरिया है इस क्लीननेस ड्राइव के हवाले से और क्या इनका कहना होगा, तो आइए हम जनरल मैनेजर होटल हिलटॉप पहलगाम सूरम डोगरा साहब से बात करना चाहेंगे। जी सर, आपका खैर मकदम है। थैंक यू सो मच। ये हिलटॉप ग्रुप ऑफ होटल्स जो कि गुलमार्ग और पहलगाम में लोकेटेड है, उनका इनिशिएटिव है। ये हिलटॉप की मैनेजमेंट का डिसीजन है कि हम लोग आपस में आपकी अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे एंड वी एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी लोकेलिटी ये फॉलो करे, बिकॉज पहलगाम एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ हर कोई आना पसंद करता है एंड इतनी ग्रीनरी को हम प्लास्टिक्स और उसमें झोंक नहीं सकते। तो वी टेक दिस इनिशिएटिव टू गेट थिंग्स ऑन ग्रीन एंड आई होप ऑल विल फॉलो दिस सेम इनिशिएटिव विच वी आर फॉलोइंग। व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द नेटिव्स ऑफ पहलगाम? नेटिव्स ऑलवेज कोऑपरेट करते हैं, बट हाँ, कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों को मुख्तम करने के लिए कचरा फेंक देते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि हम लोग जितना जकम हो सके उतनी कम प्लास्टिक यूज करें, सो दैट कि यहाँ फ्लोरा और फौना जो है वो कीप फ्लरिशिंग करे और नरिशिंग रहे। आप होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जाहिर सी बात है कि मैंने पहली बार ये इनिशिएटिव देखा है पहलगाम में कि इस तरह से एक होटल की मैनेजमेंट होटल को छोड़ के इस वक्त सफाई कर रही है पहलगाम की। क्या आपकी मैसेज रहेगी जो दीगर जो यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? सर देखिए, अगर हम आज बचाएंगे चीजें तो कल आने वाली जो जनरेशन है वो चीजें देख सकेंगी। अगर ये गार्डन क्लीन करने हैं तो हम ही इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि वी आर द यंग जनरेशन हु आर एडुकेटेड एंड वी आर फॉलोइंग ऑल दोज थिंग्स। सो मैं चाहता हूं कि हमारी सराउंडिंग जो मेरे कॉलीग्स हैं, जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं दूसरे होटल्स से, आई वांट दोज पीपल आल्सो टेक इनिशिएटिव टू गेट थिंग्स गॉन ग्रीन। तो आपने बिल्कुल ये जान लिया कि क्या इनका कहना है, क्या इनका इनिशिएटिव है। और साथ साथ अगर मैं ये बात करना चाहूंगा तो पहलगाम को सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि पैसे कमाने का जरिया बना जाता है, लेकिन होटल हिलटॉप ने एक मिसाल आज कायम कर दी है। इन्होंने पैसे के अलावा पहलगाम को अपना घर समझा है और आज पहलगाम में ये क्लीननेस ड्राइव स्टार्ट की है। हमारा इनके साथ टाउन रहेगा, जब भी ऐसी क्लीननेस ड्राइव रहेंगी तो हम इनके साथ साथ रहेंगे और दीगर जितने भी अवाम है पहलगाम की, होटल्स हो या यहां के रहने वाले हो, उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि पहलगाम को प्रिजर्व करें, पहलगाम को उस तरह से यूज करें कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसका लुत्फ उठा सके। हाँ जी, लाइक दिस इज फ्रॉम हिलटॉप मैनेजमेंट से, हमारा पहलगाम को नीट एंड क्लीन रखने के लिए एक इनिशिएटिव हमने रखा है। सो ऑल द स्टाफ मेंबर्स ऑफ अवर होटल वी केम आउट इन द पहलगाम टाउन एंड पहलगाम हिलटॉप से लेकर यहाँ गार्डन और टेंपल वगैरह सब साफ करके, हमारा मैसेज ये पब्लिक के लिए, लोकल पब्लिक के लिए भी, आने वाला टूरिस्ट के लिए भी, डोंट थ्रो थिंग्स, यू नो लाइक थिंग्स हैं वो डस्टबिन में डाल दीजिएगा, रोड है सड़क में मत डाल दिए, गार्डन में गार्डन के साइड में मत डाल दिए, यूज डस्टबिन ऑलवेज एंड कीप पहलगाम ग्रीन एंड क्लीन ऑलवेज, दिस इज द मैसेज। My name is Shakil. I'm the operations head here in the Pahalgam Hilltop. We just pass on this message to all the tourists, especially who's coming from outside Jammu and Kashmir. We just pass on the message: please keep
Pahalgam neat and clean. And I especially request all my hoteliers, just take this initiative in future so that we can keep our Pahalgam neat and clean. And I'm very much thankful to my higher management, Chaya family, who gave us the instructions to do these things. So I'm very much appreciated for them. And especially instructions has been given to keep the Pahalgam clean. And we definitely follow this routine maybe twice in the month or thrice in the month. Thank you.